कैसी लग रही हूं मैं? कैसी लग रही हो? वैसे तो तुम अच्छी लगती हो, पर आज आई कांट इवन टेल यू माया कि तू इस लहंगे में कितनी खूबसूरत लग रही है। मुझे तो लगता है कि कहीं होने वाले जिया जी की नजर ना लग जाए तुझे। अच्छा गौरी, प्राइवेसी नाम की तो चीज नहीं है ना तुम्हारी डिक्शनरी में। माया बहुत सुंदर लग रही हो तुम। थैंक यू। और मैं कैसा लग रहा हूँ? तुम ठीक हो? नहीं नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो। गौरी, लेकिन ये रिंग में तो स्टोन ही नहीं है। क्या 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 रिंग में स्टोन नहीं है? दिखा दिखा। अरे गौरी रुक। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। अरे जिया जी, जब तक कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करोगे तब तक वो तैयार नहीं होगी, और तैयार नहीं हुई तो फिर सगाई में देरी हो जाएगी। सगाई में देरी होगी तो आप मुझे ब्लेम करोगे। मुझे ब्लेम करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कोई? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अरे गौरी रुक, एक गौरी की बच्ची, चल मेरा फोन दे। मैं नहीं दूंगी। रुक। अच्छा मैं आपको किसी से मिलवाती हूँ। हेलो बेटा, कैसे हो? नमस्ते मौसी जी। अब वहीं बैठे बैठे फोन पे बात करते रहोगे? नहीं मौसी जी, वो एक्चुअली जल्दी से आओ ना जीजा जी। मनोज, मनोज ठीक है, आप सीधे खड़े हो जाइए प्लीज। हाँ सीधे खड़े हो जाइए और स्माइल। ओके ओके।
संग्राम, संग्राम तू ठीक तो है ना? पानी, पानी। क्या हुआ, क्या पानी? तुझे शिप। संग्राम, संग्राम। अरे शिप, अभी पानी भरा हुआ था। शिप तो बाहर कहाँ गया? राम कौन सा शिप? क्या बात है? ठीक किया, होश में पानी था, मैं डूबने वाला था। रिलैक्स रिलैक्स, काम डाउन यार, कुछ नहीं है ऐसा। हुआ क्या है देख, ये जो कमिटमेंट होती है ना, बहुत बड़ा प्रेशर होता है, और तू स्ट्रेस में कहीं गिरा है, तेरे सर पे चोट लगी और तू बेहोश हो गया, और ये जो तू पानी शिप कह रहा है, ये एक बुरा सपना है या तेरे सबकॉन्शियस माइंड का थॉट है? ये सबकॉन्शियस माइंड है, ये सबकॉन्शियस माइंड है, ये सबकॉन्शियस माइंड है। संग्राम तू हमें बाथरूम के पास मिला था। नहीं यार प्लीज, तुम लोग जाओ यहां से, प्लीज जाओ। या श्योर, आई नीड सम टाइम प्लीज। ओके ऑल राइट ऑल राइट, you sure you're gonna be okay? Yeah, I'll be fine, please. चल, संग्राम तेरे कारपेट पे पानी। यार तुम लोग जाओ, बाद में बात करते हैं। वैसे रिंग का डिजाइन तो बहुत अच्छा है, और मेरे हाथ भी कितना अच्छा लग रहा है। व्हाट या संग्राम, एंगेजमेंट क्यों पोस्टपोन करनी थी? कहीं तुम्हें कोई और तो नहीं मिल गई? क्या यार माया, यार आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से ये एंगेजमेंट पोस्टपोन हो गई। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था, आई मीन मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ, और एंगेजमेंट वाले दिन ही ये सब। आई डोंट वॉन्ट टू बिलीव दिस, बट पता नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो है जो हमें साथ नहीं देखना चाहता। आई रियली थिंक यू आर ओवर थिंकिंग ऑल ऑफ दिस। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। थैंक्स। एक्सक्यूज मी, आप मिस्टर संग्राम हैं, मेरे जीजा जी नहीं, और सगाई पोस्टपोन हो गई है, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड से दूर दूर। अबे ऐसे भी शादी तक तो इंतजार करिए ना, सबर का फल बहुत मीठा होता है। वैसे गौरी तेरी तो शाम की मूवी थी ना? हाँ है ना, शाम की 6:30। ओ माय गॉड, सब अच्छे हो गए, बाय बाय बाय, मैं लेट हो गई। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं। थैंक यू संग्राम। थैंक यू, इतनी फॉर्मेलिटी। थैंक यू इस बात के लिए नहीं, पर थैंक यू इस बात के लिए कि तुमने मुझे तब संभाला जब मुझे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। माया तुम्हें आइडिया नहीं है कि मैं कितना ग्रेटफुल हूं कि मुझे तुम जैसी लाइफ पार्टनर मिली। नहीं संग्राम, राजवीर के जाने के बाद तुमने जिस तरीके से हालात को संभाला है, मुझे संभाला है, वो वाकई काबिले तारीफ है। एंड आई एम श्योर राजवीर जहां कहीं भी होगा ना, वो इस बात से बहुत खुश होगा कि मैं उसके सबसे अच्छे दोस्त के साथ हूँ। माया राजवीर सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त नहीं था, मेरा भाई था। आई हैड टू बी देयर यार। एनीवे यार बहुत रो लिया तुम, अब अगर और तुम्हें सीरियस होना है ना, मुझे सिंपैथी वाली कॉफी पिलानी पड़ेगी। सिंपैथी वाली कॉफी? यस। वेल, मुझे ये कॉफी तो बनानी आती है, पर ये सिंपैथी भरी कॉफी मुझे नहीं बनानी आती। बहुत सिंपल है, देखो
कॉफी दूध और शक्कर के अलावा उसमें 2 चम्मच नेकी और 1 चम्मच प्यार डाल दो, बन गई सिंपति वाली कॉफी। अरे वाह, लगता है ये कॉफी ना तुम सबसे अच्छी बनाते हो। और तुम्हें नहीं लगता कि इस कॉफी की मुझे तुमसे ज्यादा जरूरत है? देखो ना, पूरे दिन से इतना भारी लहंगा पहन के रखा है, वो भी बिना बात के। जो हुकुम मेरे आका, आप आराम फरमाइए, मैं कॉफी लेकर आता हूँ। अरे वाह, इतनी जल्दी कॉफी बन गई। अरे वाह, हेड मसाज। अच्छा एक काम करो, मुझे झूला झूला। ये लो तुम्हारी गर्मा गर्म सिंपति वाली कॉफी। अरे मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेने गया था। तुम यहाँ? क्या हुआ राजवीर? क्या राजवीर आया था? माया ये क्या कह रही हो तुम? वो ही ये सब छोड़ के गया है, के बारे में वो ही जानता था। रिलीज क्या माया? ये मेरे फेवरेट फ्लावर्स है। तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो माया, ये फ्लावर्स तुम्हारे फेवरेट है ये तो किसी को भी पता हो सकता है ना। हाँ, लेकिन इस प्लास्टिक रिंग के बारे में, इसके बारे में कोई भी नहीं जान सकता, इम्पॉसिबल है ये। इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ राजवीर जानता था। मतलब और राजवीर एक बार बीच पे गए थे, वहां चलते चलते राजवीर ने अचानक से मुझे प्रपोज कर दिया। उसके पास मेरे लिए एक रिंग थी, मेरे पास उसके लिए कोई रिंग नहीं थी, तो मैंने अपने कान से निकाल कर यही रिंग उसको दी। तब से वो ये रिंग इस चेन में डालकर हमेशा अपने गले में पहन के रखता था। माया बैठो, बैठो तू। इट्स ओके, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूं। देखो, अगर तुम्हें शादी के लिए और समय चाहिए तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि राजवीर इज नो मोर, वो हमारे बीच में नहीं है। वो मेरा भी दोस्त था, आई ऑल्सो मिस हिम, लेकिन क्या कर सकते हैं माया, मौत हमारे बस में नहीं है, लेकिन जिंदगी तो हमारे बस में है, उसे तो हम अपने लिए और अपने अपनों के लिए जी सकते हैं ना। ये सब ना, ये तुम्हारे इस भारी लहंगे की वजह से हुआ है। चलो जाओ, इसे चेंज करो, जाओ। हमने डेट पोस्टपोन कर दिया है, पर अब सब ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनिए, मैं जरा डेकोरेटर से मिलने आया हूँ, वो पोस्टपोन की है ना डेट, इसलिए। हाँ मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है, नमस्ते। बिल्ला,
बिल्ला की दुकान यही है? बिल्ला तुम ही हो ना? क्या लफड़ा करना है बॉस? नहीं, बिजनेस। ठीक है, आ जा। अच्छा है, लेकिन बहुत पुराना लगता है। कहां से मिला तुम्हें? ये कोई मामूली सोने का सिक्का नहीं है। सैकड़ों साल पहले एक समुद्री लुटेरे का जहाज डूबा था, उसके खजाने का माल है ये। अच्छा, कहां है वो जहाज? तब तो वहां और भी खजाना होगा। मैंने सुना था कि तुम सवाल नहीं करते। लगता है गलत सुना था। एक ही है या और भी हैं? अंगज, लेके जाओ इसे। पैकेज अच्छा है, बिकेगा जरूर। सारा का सारा बिक जाएगा? यहाँ छोटा मोटा माल नहीं बिकता है, बड़ी बड़ी डीलें होती हैं। अच्छा, अब कितना मिल जाएगा इन सबका? लगता है आप नए हैं, लेकिन घबराइए मत, कस्टमर मिलने दीजिए, आपके इस पैकेज को अच्छा से अच्छा भाव दिलाऊंगा। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। इंडिया में? हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं तेरे सगाई पे नहीं आया इसलिए नाराज है ना मुझसे। भाई सॉरी ना यार। बलवंत, तुझे इंडिया नहीं आना चाहिए था। क्यों? सगाई वगैरह सब ठीक से हो गई ना? नहीं बलवंत, कुछ भी ठीक नहीं है। तुझे पता है आज मेरे ही घर में मुझे मारने की कोशिश की गई। बाथरूम में किसी ने मेरी जान लेने की कोशिश की और जब मैंने देखा तो वहां कोई नहीं था। तुझे पता है मेरी सगाई नहीं हुई उस दिन, मेरे घर में पूरा पानी भर गया और जब मैंने खिड़की खोल के देखा तो ऐसा लगा कि सामने पूरा समंदर था और घर जहाज बन के उस पे तैर रहा था। उस दिन भी मैं मरते मरते बचा। तुझे एक और बात बताऊंगा तो तेरे होश उड़ जाएंगे। तुझे पता है माया ने राजवीर को देखा? क्या बकवास कर रहा है? हाँ, राजवीर को देखा है। राजवीर वापस आ गया है। हेलो हेलो,
Onde está o meu ouro? Onde está o meu ouro? Where is my gold? Where is my gold? Where is my gold? हमारे साथ साजिश हो रही है बलवंत, हो ना हो कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है, सब उस लूट के माल के चक्कर में हो रहा है। कर कौन सकता है भाई, इस राज के बारे में तो हम तीनों के अलावा किसी को नहीं पता। तुम्हारी जुबान पे काबू नहीं रहता, दारू के नशे में किसी के सामने मुंह खोल दिया होगा। भाई गॉड की कसम भाई, एक शब्द किसी से नहीं कहा। अब संग्राम, माया को तो सब कुछ पता नहीं चल गया। तो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि मैंने माया को ये सब बताया है? अरे तू पागल हो गया है क्या? ऐसी बात करूंगा माया के साथ? तो फिर क्या वो समुद्री लुटेरा आकर हम पर हमला कर रहा है? यार उस पायरेट को मरे हुए सैकड़ों साल हो गए, अब क्या उसकी आत्मा आके हम पे हमला करेगी? ये सब हमारे मन का वहम है और कुछ नहीं। देख, इस खजाने के बारे में सिर्फ तीन लोगों को बताया, तू, मैं और राजवीर। जरूर ये राजवीर वापस आकर ये सब कर रहा होगा। नहीं नहीं, राजवीर के बचने का तो कोई चांस ही नहीं है। बचाओ, बचाओ, तुझे कहना नहीं आता। संग्राम, तुझे बचाओ, बचाओ। हमें जल्द से जल्द ये शहर छोड़ना होगा, बहुत गड़बड़ हो रही है यहाँ पर।
माल लेकर बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते, पुलिस पकड़ लेगी। हेलो, बिल्ला बोल रहा हूँ। हाँ बिल्ला बोलो, तुम्हारे पैकेज के लिए खरीदार मिल गया है। अच्छा, रात को 8 बजे वेस्टर्न क्रॉस हाईवे ब्रिज के नीचे आ जाना। ठीक है। क्या हुआ? गुड न्यूज, बिल्ला का फोन था, हमारा सारा का सारा माल आज शाम को ही बिक जाएगा। क्या बात कर रहा है भाई? तू मेरे साथ सिंगापुर चल, वहां पे पाइगर्ड बहुत काम है, तेरी भी लाइफ बन जाएगी। आइडिया तो अच्छा है, पर उससे पहले मुझे कुछ काम निपटाने हैं। भाई सिक्के जिसके पास होंगे जान का खतरा उसको ही होगा, हम तो बच जाएंगे ना। सिक्के बेचकर पैसे ले लेते और यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। वेरी गुड, शाम को मिलते हैं वेस्टर्न क्रॉस ब्रिज के नीचे माल के साथ। डन भाई, टेक केयर। मैं भी घर पे हूँ, तुम रो क्यों रही हो? संग्राम मुझे तुमसे मिलना है। एक्चुअली माया मैं अभी आउट ऑफ टाउन निकलने वाला हूँ। नहीं नहीं संग्राम, तुम अभी के अभी मेरे पास आओ, ये जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। गलती की इंडिया आके सब कुछ लपेट और निकल ले बेटा। ये लाइट का कोई भरोसा नहीं, टॉर्च कहाँ रखा मैंने? ये रहा मेरा सिंगापुर का परमानेंट रेसिडेंसी। कौन है?
क्या हुआ? ऐसी क्या इमरजेंसी थी? अभी क्यों बुलाया? संग्राम, संग्राम बलवंत की मौत हो चुकी है। पागल हो गए हो क्या? अभी थोड़ी देर पहले तो मेरे साथ था। बलवंत की लाश उसके घर पे मिली है और नेबस का कहना है कि उसका कत्ल बहुत ही दर्दनाक तरीके से किया गया है। अरे लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? पता नहीं, पुलिस कह रही है कि कोई सोने के सिक्के चोरी। सोने के सिक्के? संग्राम, are you involved in this? तुम कैसी बात कर रही हो? संग्राम, क्या तुम्हारे पास वो सोने के सिक्के हैं? संग्राम, क्या तुम्हारे पास वो सोने के सिक्के हैं? हाँ है। कहाँ कहाँ से मिले तुम्हें? यार वो हमें एक समुद्री लुटेरे के डूबे हुए जहाज से मिले। तो प्लीज, जहाँ से भी तुम्हें मिली है तुम वहाँ जाकर वापस लुटा दो। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब वो समुद्री लुटेरा कर रहा है अपने सिक्कों के पीछे, वो श्रापित है। हाँ लेकिन माया, संग्राम तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? पागल हो गए हो क्या? बलवंत इज डेड, उसकी मौत हो चुकी है, वो भी इस सब के पीछे। तुम अपने सोने के बारे में सोच रहे हो? क्या करोगे सोने का जब तुम्हारी जिंदगी नहीं रहेगी? और मेरे लिए तुम्हारी जान बहुत कीमती है। तुम अभी क्या अभी सोना वापस करोगे और मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, ओके? चलो मेरे साथ। संग्राम, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। यार तुम्हें अभी क्या सवाल पूछना है? एक मिनट, पहुंच गए। ये वही जगह है जहां हमें सोना मिला था। अब जल्द से जल्द इस पोटली को यहां डालते हैं और निकलते हैं यहां से। किस्सा खत्म। क्या राजवीर की मौत यहां हुई थी? हाँ। कैसे हुई उसकी मौत? माया तुम्हें बताया तो था, उसे तैरना नहीं आता था, वो गलती से यहां गिर गया। हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन हम उस तक पहुंच नहीं पाए। मुझे नहीं लगता कि राजवीर की मौत ऐसे हुई होगी। क्या कहना चाहती हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? माया निकलते हैं यहाँ से। क्या सच में मेरी मौत ऐसी हुई? सच क्यों नहीं बता देते तुम कि क्या हुआ था उस रात? बलवंत, संग्राम, अरे यार कितनी देर लगा दी तुम लोगों ने, अकेले बैठे बैठे हालत खराब हो गई। डर क्यों रहा है मेरे भाई? देख नीचे हमें क्या मिला। कम से कम 1000 सोने के सिक्के होंगे इसके अंदर। तेरा कैलकुलेशन तो सही निकला। सऊदी जहाज में सही के सोने के सिक्के? क्या बात है भाई, तुम लोगों का तो पता नहीं पर मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि माया से शादी कर लूंगा और सारी जिंदगी ऐश करूंगा। तेरी कैलकुलेशन थोड़ी गलत निकली राजवीर। ये सोने के सिक्के सिर्फ दो लोगों में बटेंगे, मुझ में और बलवंत में। बचाओ, बचाओ! अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे ये तो वही शिप है। शिप बाहर कैसे आ गई? स्टार्ट कर, निकल यहां से, निकल यहां से, जल्दी निकल, कर जल्दी कर। भाग
भगाओ भगाओ। All day sao meow auto. Give me my gold. Give me my gold. मुझे माफ कर दो, मैं भाग गया था। वो बलवंत, उसी ने मुझे बहकाया था। मैं इस सोने की लालच में आ गया था। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। जिस तरह से मेरी मौत हुई थी, ठीक उसी तरह तुम्हारी भी मौत होगी। नहीं, नहीं, माया, प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये तुम रख लो, मैं तुम लोगों की जिंदगी से इतना दूर चला जाऊंगा कि तुम लोग मेरी शक्ल भी नहीं देखोगे। प्लीज। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने इतना बड़ा सच मुझसे छुपाया। तुमने मेरे राजवीर को मारा। राजवीर, प्लीज यार, प्लीज मुझे माफ कर दे यार। जहां से एक किस्सा शुरू हुआ था, अब वहीं पे खत्म होगा। माया, हमें यहां से निकलना पड़ेगा। माया, हम सब मर जाएंगे यहां पे, हमें जाना होगा। तुम लोगों को यहाँ रहना तो रहो, पढ़ जाओ तुम लोग। Give me my gold. To enjoy more horror TV content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.